में स्वागत है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास ड्वेल्टी। फ्रेंड्स, ड्वेल्टी क्या होता है? फिर ड्वेल्टी होता है, कोई भी हमारे पास एलपीपी होती है, एक एलपीपी होती है, उससे हमें पहले एक प्रॉब्लम दी होती है, प्रिमल प्रॉब्लम, जिसे हम आद्यावस्था कहते हैं। आद्यावस्था है, कोई एक अवस्था दी हुई होती है, हम उसको दूसरी प्रॉब्लम में चेंज करते हैं, दूसरी एलपीपी में चेंज करते हैं, और इस तरह से चेंज करते हैं कि अगर प्रिमल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसका अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो ड्वेल्टी होगा उसका भी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। फिर इस तरह से चेंज करने को हम कहते हैं कि हमें प्रिमल प्रॉब्लम का, प्राइमल प्रॉब्लम का ड्वेल्टी चेंज कर दिया। अब फिर हम देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। प्राइमल प्रॉब्लम, फ्रेंड्स, प्राइमल प्रॉब्लम क्या होती है? वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे हम जो मैक्सिमम फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस डॉट 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 सी एन एक्स एन, एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन होती है हमारे पास, प्रतिबद्ध जो होता है वो होता है ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस डॉट 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 ए वन एन एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू बी वन, ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस डॉट 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 ए टू एन एक्स एन लेस देन इक्वल टू बी टू। एंड फ्रेंड्स, ये होता है ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट ए एम एन एक्स एन लेस देन इक्वल टू बी एन, वेयर एक्स वन एक्स टू एक्स एन सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होते हैं। अब फ्रेंड्स, ये हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम है, अब इसकी हमें ड्वेल्टी चेंज करनी है। फ्रेंड्स, जब इसकी ड्वेल्टी चेंज करते हैं तो इसकी ड्वेल्टी चेंज करने के लिए हम इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं हम मैक्सिमम जेड बराबर सी वन सी टू सी एन एक्स वन एक्स टू एक्स एन एंड सब्जेक्ट टू, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा ए वन वन ए वन टू ए वन एन ए टू वन ए टू टू ए टू एन ए एम वन ए एम टू ए एम एन एक्स वन एक्स टू एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू बी वन बी टू बी एन। फिर सी हो गए हमारे पास चेंज होके। अब फिर से हम इसकी ड्वेल्टी जो चेंज करते हैं, ड्वेल्टी के लिए क्या करते हैं, जैसे हम इसको हम ए दे दें, इस जो मैट्रिक्स को हम ए दे दिया हमने और इसको हमने सी दे दिया, तो मैक्सिमम जेड बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम जेड बराबर ये हमने सी दे दिया तो सी, और इसको हमने एक्स दे दिया एक्स, ये हमने ये जो सी है ये मैट्रिक्स है, ये अपने पास ये रो मैट्रिक्स है, और एक्स है ये अपने पास कॉलम मैट्रिक्स है, और सब्जेक्ट टू ये अपने पास ये मैट्रिक्स है बी ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इसको हमें बी दे दिया हमने नाम। तो अब इसका जो ड्वेल्टी होगी, फिर ड्वेल्टी जो होगी वो होगी अपने पास मिनिमम ओमेगा डी, मिनिमम ओमेगा डी से शो करते हैं इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड ओमेगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई बराबर वन टू एम। फिर यहाँ पे हम देखना है, यहाँ पे हमारे पास एम रोज थी, तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम होंगे वो हमारे पास एम कॉलम होंगे और एम ही हमारे पास वेरिएबल होंगे, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास एन वेरिएबल थे तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल हमारे पास कम हो जाएंगे, यहाँ पे जो एम एन हो जाएंगे तो हमारे जो रिलेशन आएंगे वो हमारे रिलेशन संख्या होगी वो एन एन हो जाएगी, इससे रिलेशन बढ़ जाएंगे। अब फिर से इसको हम और अच्छी तरह से लिखना चाहें, फिर तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज जो होगा वो हो जाएगा अपने पास
A11 डॉट डॉट A1n A21 A22 A2n AM1 AM2 AMn। एंड फ्रेंड्स अपने पास जो बी ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास B1 B2 BM, सॉरी M है फ्रेंड्स, BM। और ये सी ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास C1 C2 डॉट डॉट CN। अब फिर हम इसको लिख सकते हैं, ड्वेल्टी जो आ जाएगी अपने पास वो हो जाएगी इस प्रॉब्लम की, हमारे पास इस प्रॉब्लम की हम ड्वेल्टी लिख रहे हैं फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम की ड्वेल्टी लिख रहे हैं, तो वो हो जाएगा A11 A21 AM1 A12 A22 AM2 A1n A2n AMn ओमेगा 1 ओमेगा 2 डॉट 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 ओमेगा 1 से m तक चल रहा जा रहा है, तो फिर से ओमेगा m ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम देखना है देखेंगे या देख रहे हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन था तो वो चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू में हो गया, तो ये हो जाएगा अपने पास C1 C2 डॉट डॉट CN, ये हो गया फ्रेंड्स। एंड अपने पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो हो जाएगा मिनिमम ओमेगा डी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा B1 B2 BM और ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा m। फिर जो ये कंडीशन आई है अपने पास इसको हम लिख सकते हैं, और मिनिमम ओमेगा डी इक्वल टू B1 ओमेगा 1 प्लस B2 ओमेगा 2 प्लस डॉट डॉट BM ओमेगा m सब्जेक्ट टू फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अपने पास A11 ओमेगा 1 प्लस A21 ओमेगा 2 प्लस डॉट 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 AM1 ओमेगा m ग्रेटर देन इक्वल टू C1, ये हो जाएगा A12 ओमेगा 1 प्लस A22 ओमेगा 2 प्लस AM2 ओमेगा m ग्रेटर देन इक्वल टू C2, और ये चलते हुए फ्रेंड्स यहाँ तक हो जाएगा A1n ओमेगा 1 प्लस AM2 ओमेगा 2 प्लस डॉट डॉट AMn ओमेगा m ग्रेटर देन इक्वल टू CN, वेयर ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये कंडीशन में चेंज हो गई, तो ये फिर से हमारे पास जो प्राइमल प्रॉब्लम थी उसकी ड्यूअलिटी आ चुकी है अपने पास। फिर ये हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम थी, मैक्सिमम जेड बराबर C1 C2, ये मेरे पास प्राइमल प्रॉब्लम है, इसको आप देख लीजिए, और इसकी जो ड्यूअलिटी है वो अपने पास ये ड्यूअलिटी आ चुकी है। फिर ये इसकी ड्यूअलिटी है, अब फिर से हम सेम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो अपने पास ड्यूअलिटी में जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है कि मैक्सिमम जेड डी बराबर सी एक्स हो तो उस कंडीशन सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन बी, इस कंडीशन में हो तो इसकी जो ड्यूअलिटी होती है वो होती है अपने पास मिनिमम ओमेगा डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज, यहाँ एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ओमेगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सिमिलरली अगर मिनिमम ओमेगा मिनिमम जेड डी हो तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं इसको। थैंक यू फ्रेंड्स।